मसूरी दाल ग्रीन वाली, और इसमें लहसुन हरी मिर्ची, इसे 2-3 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है, इसका चिल्ला बनता है इसके बाद में। तो इसमें अदरक लहसुन और ग्रीन वाली मिर्ची ये पड़ेगा, इसे में साथ में डाल के पीसना है, और साथ में नमक, मूंग का जो पानी रहता है ना भिगा हुआ उसे फेंकना नहीं, वही पानी उसमें डालना है, पूरा पतला करना है आटे की तरह, जब पूरा हो जाए उसके बाद में ये निकालना है। आटे का डोसा बनाते हैं सेम उसी वैसा बनाना है। और कुछ डालना है? गाइस ये है बहुत हेल्दी प्रोटीन, कितना बढ़िया बन गया, जैसे लग रहा है जैसा डोसा है चावल का, बट ये चावल नहीं है, ये मूंग की दाल है, मूंग है, खड़ा मूंग, हरा ग्रीन वाली मूंग, और ये बहुत ही आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको नुकसान नहीं करेगा। चावल डोसा जो है वो नुकसान भी करता है, लेकिन ये किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया है। इसके साथ हम चटनी रखेंगे, इसमें खोपरे और केवी की मिक्स चटनी आती है, वो अभी हमारे पास ये नहीं है, इसलिए हम अचार रखेंगे। हमारे पास आंवला का अचार है, टमाटर का अचार है।